Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. जवाब दो मिट्टा, मैंने तुमसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। वो जब फुल मून की पहली रात होती है तो हमें बिल्कुल भी मैजिक स्पेल्स यूज नहीं करने चाहिए। वेरी गुड। मिस मैजिक्स, तुम्हारा क्राउन कहाँ है? इसका चेहरा तो देखो। ब्लू, अब तुम्हारी बारी। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ब्लूम। ब्लूम, क्या हुआ तुम्हें? मैं बस अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही हूँ, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। ओके, तो क्या सवाल है तुम्हारे, मुझे भी बताओ, शायद जवाब दे सकूं। मुझे तो बस सारी सच्चाई जाननी है, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझ में इतनी पावर्स कहाँ से आई। ये तो सच में बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे लगता है मेरे सारे सवालों के जवाब क्लाउड टावर में है ब्रैंडन, बस किसी तरह मुझे उस लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये रिस्की है। ए, दोस्त होते किस लिए हैं? तुम अपना विंड राइडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन विंड राइडर से हम इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं अगर तुम इस दीवार के पास से उड़ो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो स्काई, मैं केयरफुल रहूंगा। सिर्फ केयरफुल होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई 300 फुट की है। देखो स्काई, मैंने ब्लूम से कहा था कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। वेल वेल डार्सी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। हाय, सॉरी इस तरह आने के लिए, लेकिन आना जरूरी भी था। कोई बात नहीं, चलो चले यहाँ से। अभी वाओ, क्लाउड टावर तक पहुँचने में काफी देर लग जाएगी, हमें फौरन निकलना चाहिए। उस दिन मिस मैजिक्स कॉन्टेस्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखाऊंगी। तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो, आईसी और उसकी दोनों दोस्तों की वजह से हुआ है ये सब कुछ। ओह, तुम नहीं समझोगी मर्डा, मैं उनके जैसा बनना चाहती, मुझे उनकी टीम का हिस्सा बनना है। मैं नहीं चाहती लोग मुझे लूजर समझे जैसे तुम। मैं तुम्हारी तरह एक सिंपल सी विंड पर के थक गई हूँ, मुझे ट्रिक्स की टीम में जाना है। एक एहसान करो मुझ पर, आइंदा मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना। क्यों कर रही हो? लूसी उनके साथ रहकर उन जैसी ही हो गई है, लेकिन मैं उसे उन जैसा कभी नहीं बनने दूंगी। लूसी और मैं बचपन के दोस्त हैं, मैं उन बुरे विचेस के हाथों अपनी दोस्त को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हें बताऊंगी अपना नया प्लान। हम ब्लूम से झूठ बोलेंगे जिससे वो बहुत डर जाएगी, और फिर उसके दोस्त बनकर हम उससे उसकी सारी पावर्स चुरा लेंगे। तो ये था इनका प्लान, और बिचेस ने मेरी दोस्त को छीन लिया। मैं बदला जरूर लूंगी, ब्लूम जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ निकालूंगी और सब सच बता दूंगी। हम बस पहुँचने वाले हैं ब्लूम, होल्ड ऑन टाइट। ब्लूम, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना, टिमी बहुत स्मार्ट है, उसने क्लाउड टावर का मैप हैक करके हमारे जीपीएस सिस्टम में डाल दिया है। ग्रेट, अब तो हमें खो जाने का कोई डर नहीं है, यही जगह है वो लाइब्रेरी इसी दरवाजे के पीछे है। ब्लूम, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम वाकई सच्चाई जानना चाहती हो? मुझे सच जानना है ब्रैंडन। ए, जरा यहाँ के ये तो देखो, ये उन खोई हुई लेजेंडरी बुक्स में से है जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें से आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है। खोई हुई बुक्स? मैं तो ये सब झूठी समझती थी। वाओ, ये तुम्हारे सामने है, पूछो अपना सवाल। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। ब्रैंडन, क्या हुआ, क्या देखा तुमने? मैं तो तीन ईविल विचेस के मैजिक स्पेल से पैदा हुई हूँ, और जैसे ही मैं पूरी फेरी बन जाऊंगी वो मेरी सारी पावर्स छीन लेंगी। नहीं, तुम वो विचेस की बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज ब्रैंडन, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ब्रैंडन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन मैं एक विच नहीं हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे एल्फिया लेके चलो। क्या हुआ, मुझे देर हो गई? नहीं, ये बात नहीं है, ब्लूम कल रात वापस ही नहीं आई। ओह रियली? वेल, हर जगह ढूंढ लिया है, ब्लूम कहीं पर भी नहीं है। हमने ब्रैंडन से भी पूछा, उसने कहा कि वो तो स्कूल वापस आ गई थी, लेकिन कल रात वो बिल्डिंग में एंटर ही नहीं हुई। हमें उसे जाकर फौरन ढूंढना होगा। सुबह हो गई और मैं अभी तक मैजिक्स भी नहीं पहुंची हूं। मुझे फौरन वापस जाना होगा, पूरा मैजिक्स खतरे में पड़ सकता है। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ है, शायद ये वही है। हे, कौन छुपा हुआ है वहाँ? तुम कौन हो? हाय, आई एम मर्टा। हाय, मेरा नाम ब्लूम है। जानती हूँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कुछ ऐसी बात है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, उन ट्रिक्स ने तुम्हें बेवकूफ बनाया।
अब बस भी कर दो स्टॉर्मी, क्या इरादा है? पूरे जंगल को आग लगाना चाहती हो क्या? लगता है तुम दोनों भूल गई हो, हम ब्लूम को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपस में लड़ना बंद करो, ढूंढो उसे। सॉरी आईसी, हम एक मुश्किल में खड़े हैं, कुछ ना कुछ फौरन से सोचना पड़ेगा। राइट, तो हम उसे सिर्फ अपनी पावर्स के जरिए ही ढूंढ सकते हैं। ओके, तो काम शुरू करते हैं गर्ल्स। किसी ने ब्लूम को यहाँ से गुजरते हुए देखा है और अब वो हमें बताएगी। ग्रास की बात कर रही हो? नाइस गेस फ्लोरा। वाओ, ये देखो ब्लूम उस तरफ गई है। और एरिया को सिक्योर करने के लिए मैं अल्ट्रासोनिक वेव बनाती हूँ। स्कैनिंग कंप्लीट। और अब मैं डेटा एनालाइज करूंगी। ऑल राइट, मिल गया। इसके मुताबिक ब्लूम यही कहीं है, यहाँ पर। तो अब मेरी बारी है कमाल दिखाने की। राइजिंग सन। अब तुम समझी ब्लूम, ये बस उनकी एक चाल थी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो आखिर मैं कौन हूँ? मेरे पास ये पावर्स कहाँ से आई? तुम ये सब कुछ जानते हो कि तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से आई हैं? Well, बस कुछ ही देर बाद ये सारी पावर्स हमारी होंगी और तुम्हारे साथ तो अब ये भी शामिल हो गई है, एक छोटी सी विच जो इमोशंस को इमेज में बदल देती है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, एक लूजर्स की जोड़ी। तुमने मुझे चेक किया है, तुम बहुत बुरी हो। आहा, तुम कुछ और भी कह सकती थी। बस बहुत हो गया। Let's have a fair fight. रुक जाओ तुम, अपनी एनर्जी जाया मत करो। जिस तरह तुम कोशिश कर रही थी, इस तरह तो हम दो मिनट भी इनके सामने नहीं टिक पाते। टाइम आ गया है इनसे बदला लेने का, तैयार हो जाओ तुम। अब हमें बस इतना करना है, इस बर्फ को तोड़कर ब्लूम के अंदर की सारी पावर्स निकाल लेनी है। समझ गई तो? ब्लूम के साथ वो लड़की कौन है? उन्हें छोड़ दो। नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बार तुम नहीं जीत सकती, परेशान ना हो। नो ब्लूम, सब बर्बाद कर दिया इसने। बस सब बहुत हुआ, तुमने मेरा सारा खेल और सारा प्लान तबाह और बर्बाद कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। पंपकिन, ये क्यों नहीं? नो। हम लोगों ने भगा दिया उन्हें। क्या कमाल की पावर दिखाई है, लेकिन ब्लूम कहाँ है? वो गायब हो गई है। Not again. यूहू, मैं यहाँ हूँ। ब्लूम, आखिर तुमने उन विचेस के साथ ऐसा क्या किया? Don't worry, Techna. उन्हें उनका सबक मिल गया है। और वो लड़की कौन थी? वो मर्टा थी, उसने मेरी हेल्प की और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके लिए। आईसी का जादू ब्लैक मैजिक था। इस मैजिक स्पेल को तोड़ने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। स्लीप वेल ब्लूम, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें आराम की जरूरत है। और तुम भी बिल्कुल फिक्र नहीं करना, जब तक कि तुम पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो जाती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये एक विंग्स का वादा है।